बिल्कुल रहती अच्छा। है, मतलब है ना नमकीन सा टेस्ट आता है। आह कुछ ही दिन में अपन भी अपना टेंट का सेटअप भी लेंगे। चीयर्स। व्लॉगिंग करता हूँ कुछ ना कुछ होता है साला, ऐसी ट्रैकिंग करता हूँ हो ही जाता है। मेला इसका फ्रैक्चर हो गया, ढीला पड़ गया, अब इसको न तो चिपका सकता न इसको उचका सकता, बिल्कुल लूसा सा हो गया है, तो फ्रैक्चर हो गया इसका। अब देखता हूँ पत्थर पे रखता हूँ आपके लिए व्लॉग में, सिनेमेटिक शॉट तो देने ही होंगे मुझे। वेलकम बैक टू माय चैनल, में आपका चाहिए आरजो में फिर से स्वागत करता है एक नए व्लॉग में। आप सबको सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल, केम छो। अरे प्रभु, सांस सांस है ना फूल गई है, इसलिए रुक रुक के चढ़ना पड़ रहा है। आई एम ऑलरेडी लेट यार, 11 बज गई है, निकले ही हम 10:30, 10:15 के आसपास। हमें सुबह जल्दी आ जाना चाहिए था, आई थिंक ऊपर से हमें नज़ारे अच्छे दिखेंगे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और नज़ारों को कैप्चर कर लेंगे हम लोग। धुंध है नहीं, सबसे बड़ी अच्छी बात ये धुंध नहीं है, खिलखिलाती धूप निकल गई है। मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं जिस पहाड़ी पर चढ़ा हुआ हूँ ना, उसकी यूं खड़ी चढ़ाई है। ये वादियाँ कहीं नहीं मिलेंगी, इसीलिए मैं हर वीक में एक बार सोचता हूँ कि ट्रैकिंग करूँ। ट्रैकिंग करने से एक्चुअली क्या है, आपका बॉडी की स्ट्रांगनेस का पता चलता है। और अभी काफ़ी टाइम से मैंने ट्रैकिंग नहीं की थी, इसलिए आज थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट हो जाएगा कवर। पीछे मेरे पीछे देखो, खूबसूरत नज़ारे आपको दिखेंगे। ये लैक फॉरेस्ट और वादियाँ ही वादियाँ। हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट है तो मैं जहाँ आया हुआ हूँ वो मैं व्लॉग पूरा दे चुका हूँ, और आप लोगों ने प्यार भी बहुत दिया। पिछले 2 सालों में 11,000 लोगों ने देख लिया है उस व्लॉग को। मैं आई बटन में उसको दे दूंगा, राजा डूंगर भील बरंडा के नाम से मैंने व्लॉग बनाया है, और आज इसी पहाड़ी पर मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ। आज बिल्कुल सुनसान है, और सच में सुनसान एरिया में आकर के हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पर नहीं, हम वहाँ पर जाके थोड़ा सा चिल करते हैं, बैठते हैं, क्योंकि बहुत थकान लग गई और पसीने पसीने हो गए हम लोग। मुझे अच्छा लगता है ये वादियाँ, ये हवाएं, ये मौसम, ये जंगल, ये आप लोगों का प्यार, ये फैलती हुई सिटी, और सिटी के बीच में खूबसूरत सी ऊंची पहाड़ी। पगडंडी पाथ तो ढूंढूंगा तभी जा पाऊंगा, नहीं तो फिर फाइनली जो डिसीजन लेना है हमें कांटे से होते हुए गुजरना पड़ेगा। ट्रैकिंग पे अगर चाय नहीं मिले, आज इस ट्रैकिंग पर हम करने वाले हैं कावा पीने वाले हैं। अब सोचेंगे आप, कावा तो मिलती है कश्मीर में, कश्मीर की कावा हम लेके आए हैं, कावा के साथ हम चिल करेंगे इन वादियों का, इन नज़ारों का। मैं लकड़ियाँ ढूंढता हूँ, पत्थर जमाता हूँ और कावा बनाता हूँ। कैसे हमने ट्रैकिंग के अंदर कावा बना करके पी, आप खाइए मावा, मैं बनाता हूँ आपके लिए और मेरे लिए कावा। तरीके से हम देखो चूल्हा सेट कर दिया हमने और तपेली भी लगा दी है। कावा कौन सा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले तो हम एक बार आग लगा लें, आग लगाने के बाद में और लकड़ियाँ लेके आता हूँ मैं।
ये बना दिया मैंने कावा, एक्सपीरियंस भैया का देखना कि कैसा लगता है। कावा बना दिया मैंने, ए प्रभु जितना डीप करोगे ना उतना ज़्यादा ये मिक्सअप हो जाएगा इसके अंदर, तो डीप करना ज़रूरी है। पानी तो बहुत बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, उबल गया था। हालांकि चूल्हा किसने बनाया था, मैं ही सोचा था चूल्हा कैसे बनाऊंगा। चूल्हा भी बना दिया, भगोनी भी रख दी, उबाल भी दिया, पानी सारा काम कर दिया। पियो, मुझे देखना आपका ऐसे थोड़ी, पहले इसको बहुत सारा डीप करूंगा, ऐसे थोड़ी। और फिर रिव्यूज़ लेना है ना आपको, तो रिव्यूज़ ऐसे ही नहीं मिलेगा, जितना डीप करेंगे ना उसको। काबिले तारीफ यार, काबिले तारीफ भाई, बहुत बढ़िया चीज है यार, बिल्कुल फाइन टेस्ट, बिल्कुल अच्छा है। मतलब है ना नमकीन सा टेस्ट आ, मतलब टेस्ट बताऊं आपको मैं, वो सेंधा नमक और सेंधा नमक और नॉर्मल सा जो होता है ना इलायची, उसके बाद और भी पाउडर होंगे इसके अंदर, वास्तव में कश्मीरी कावा मान गया यार, अच्छा है, टेस्ट फर्स्ट क्लास टेस्ट है और गला खुल जाएगा ना। डिप डिप वाली हो, चाहे आप खुद बनाते हो, जब तक इसकी चुस्की के साथ चाय नहीं पिएगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो कावा को भी कुछ चुस्की के साथ, एक बात बता दूं, डाइजेस्टिव है ये, आपको गैस ट्रबल नहीं होगी इससे, टेस्ट बहुत अच्छा है, आपका गला खुल जाएगा और बॉडी में गर्माहट भी आ जाएगी, क्योंकि काली मिर्च है। उसके बाद आपका काली मिर्च के साथ साथ मुझे स्वाद आ रहा है हींग है ना, काली मिर्च है, हींग है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। और कावा तो बहुत अच्छा है, देसी है, देसी कावा। सीधी सिंपली बात है, अगर आपको इसमें जैसे है ना किसी को जैसे गैस का इश्यू हो रहा हो, जैसे किसी की पाचन क्रिया खराब हो रही हो या ऐसा कुछ हो ना, तो ये कावा सबसे बेस्ट चीज़ है, आपको गैस का ट्रबल जो होगा वो आपको क्लियर करेगा, बहुत मस्त चीज़ है ये। फूल होता है ना ग्लास तो साला और मजा आ जाता। चलो कुछ ही दिन में अपन भी अपना टेंट का सेटअप। चीयर्स। इसीलिए मैंने आपको बोला था, आप खाओ मावा, मैं बनाता हूँ कावा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐसी कहीं पहाड़ी पर या फिर कहीं फॉरेस्ट में ट्रैकिंग कर रहे हैं, और ट्रैकिंग करते वक्त चूल्हा बनाते हैं, उसमें आग लगाते हैं, पानी को गर्म करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ जो भी प्रोसीजर करते हैं आप बनाने के लिए खाने के लिए, तो एक तो ध्यान रखिएगा कि आप कचरा ना फेंकें। हम जो भी कचरा है सब साथ में लेके जा रहे हैं पॉलीथीन में पैक करके, ठीक है। दूसरा, उस आग को जलते मत रखिएगा, बाग इसीलिए कि आग हवा के साथ फैलती है, और पहाड़ों पर तो आग वैसे ही हवा के साथ फैलती जाती है, तो पूरा जंगल नष्ट हो सकता है इससे, और आग से भर सकता है पूरी पहाड़ी, इसीलिए उस आग को भी बुझा के जाएं, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, इसलिए मैं आप बता रहा हूँ। मैं भी इसको बुझा करके इसके जो चूल्हा बनाया उसको इधर उधर सेट करके फिर जाऊँगा मैं। समझ गए आप? समझे? अभी जो ये चूल्हा है पत्थर डाल दिया, इसको पूरा पैक कर दिया, पानी डाला, सब पत्थर को ठंडा किया, फिर इसके ऊपर धूल डाल दी, और धूल डालने के बाद वापस उसमें पत्थर से ढक दिया ताकि वो फैले नहीं। हालांकि आग पूरी तरह से बुझ चुकी है, ट्रैकिंग में जाने के बाद अगर हमें चाय मिल जाए, कावा मिल जाए, मैगी मिल जाए पहाड़ों पर, तो उसकी
बात ही कुछ अलग हो जाती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए। हाँ, ये व्लॉग आपको कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। लव यू ऑल।